प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आज एक बहुत अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मीन लग्न में शुक्र सूर्य के राहु की युक्ति, मीन लग्न में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति, प्रत्येक भाव में क्या लाभ क्या हानि देता है, कैसा खेलता है, खेल सुनिए। जिसका मीन लग्न है और लग्न में ही शुक्र राहु सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग की चरित्र गिर जाती है, ऐसे लोग की सोच गंदी होती है, ऐसे लोग नशेबाज और सेक्सी होते हैं। जिसके कुंडली में तुला लग्न हो, दूसरे भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, धन को संचय नहीं कर पाते हैं और हमेशा आर्थिक परेशानियों में रहते हैं। जिसकी कुंडली मीन लग्न की है, तीसरे भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सुखदायी नहीं होता है, माता पिता का सुख नहीं मिलता है, भाई बंधुओं का सुख नहीं मिलता है। जिसकी कुंडली मीन लग्न की है, चौथे भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग हमेशा संघर्षों में रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, इनकी सफलता कभी नहीं मिलती। जिसकी कुंडली मीन लग्न की है, पांचवें भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, इच्छा अनुसार शिक्षा पाते हैं, कभी किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। जिनकी कुंडली मीन लग्न की है, छठवें भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग जेल जाते हैं, चरित्र खराब होता है, दुश्मनों से परेशान रहते हैं और हमेशा केस मुकदमा लड़ते हैं। जिसकी कुंडली मीन लग्न की है और सातवें भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग लव मैरिज शादी करते हैं, ऐसे लोग सेक्सी महिला है तो कई पुरुषों से संबंध रखती है, पुरुष है तो कई महिलाओं से संबंध रखता है और नशा पानी करते हैं। जिनकी कुंडली मीन लग्न की है, आठवें भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, कफ सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, आँख के रोग से परेशान रहते हैं। जिसकी कुंडली मीन लग्न की है, नौवें भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग संसद विधायक मंत्री बनते हैं और वहाँ से भी ठोकर खाते हैं, उद्योग में घाटा खाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। जिसकी कुंडली मीन लग्न की है, दसवें भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, ऐसे लोग कई प्रॉपर्टी बेचते हैं, माता पिता का दिया हुआ प्रॉपर्टी बेचते हैं, कभी सुखदायी जीवन नहीं होता है। जिसकी कुंडली मीन लग्न की है, ग्यारहवें भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ इनको मिलता है और इनके पास जो भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिनका मीन लग्न है, बारहवें भाव में शुक्र राहु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग सम्मानित होते हैं, इनके चौथे पन अच्छे जाते हैं, इनके संतान योग्य होते हैं, करोड़ों रुपए अपने जीवन में कमाते हैं, इनके धन जीवन में जो भी धन दौलत आता है स्वयं का बनाए हुआ रहता है। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको आप सुनिएगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में आप फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। किसी मित्रगण को अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है तो आप मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस देना होगा। अगर फीस आप देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।